मेरे वालों सारे नूं प्यार भरे सत श्री अकाल। बलविंदर की रसोई विच तुहाडा सब का स्वागत है। अज असी बनावांगे बेसन मसाला भिंडी जो कि बहुत ही टेस्टी बनदियां ने। चलो असी भिंडियां बनाना शुरू करने हैं। भिंडी बनाने वास्ते असी 300 ग्राम भिंडियां लईयां ने जिन्हों असी धो के ते कपड़े नाल खूंझ के ते रख लईयां ने ते असी इन्हां दी हुण कटिंग करनी है। भिंडी दे असी इस तरह के पीस बना लेंगे, ना ज़्यादा वड्डे ना ज्यादा छोटे। सारी भिंडी कट के असी तैयार कर ली है ते असी हुण इहनूं मसाले लगावांगे। भिंडी विच असी हुण मसाले लगा दिंदे आ। इहदे विच पा देंगे असी चम्मच का चौथाई हिस्सा लाल मिर्च का पाउडर, अद्धे चम्मच तो घट ही पावांगे असी हल्दी का, टेस्ट के अनुसार तुसी नमक पा लिओ। गर्म मसाले की जगह ते पावांगे सब्जी मसाला। ये थोड़ा जि पा देंगे असी आमचूर का पाउडर, जे तुसी नींबू का रस पाना चाहो तो तुसी वह भी पा सकते हो। तो मसालों को असी हुण मिक्स कर देने हैं ता जो सारिया भिंडियां चंगी तरह लग जाए। सारी भिंडियां मसाला लग गया है ते इहदे विच असी हुण पा दिंदे आ 2 चम्मच भर के बेसन दे। बेसन नूं भिंडियां च मिक्स कर देंगे ता जो सारियां भिंडियां नूं कोट हो जावे। इस तरह करना तुहाडियां भिंडियां कदी भी चिपचिपियां लिसलियां नहीं बनणगियां, बहुत वधिया क्रिस्पी बनणगियां। सारिया भिंडियां के उपर बेसन लग गया तो असी हम भिंडियां फ्राई कर लेने हैं। ये पा देने असी 1 कड़छी तेल की, तेल साडा गर्म हो गया है तो ये पा देने असी भिंडियां। तक असी फ्राई करांगे जब तक इन्हां दा थोड़ा कलर नहीं चेंज हो जाता। भिंडी साडी फ्राई हो गई है ते असी हुण गैस नूं बंद कर दिंदे आ ते इहनूं असी एक प्लेट विच कढ लैंदे आ। कड़छी असी पा दिंदे आ तेल दी, तेल साडा गर्म हो गया इहदे विच पा दिंदे आ असी जीरा, नाल ही पा देंगे असी हिंग। आ लए ने असी मीडियम साइज के 3 प्याज, 1 टमाटर लिया, 2 असी लिए ने हरिया मिर्चा। जीरा साडा तिड़क गया इहदे विच असी पा दिंदे आ प्याज। जदों भी असी घर विच भिंडी की सब्जी बनाने हैं ते बच्चे भिंडी की सब्जी देखदे आ नाल ही कह दिंदे ने कि सानू भुख नहीं है, क्योंकि वह लेसली दे चिपचिपी बनती है, इस करके बच्चे उन्हें खाना पसंद नहीं करते। तो तुसी इस तरह ही बेसन मसाला भिंडी बनाओगे जिसे बच्चों ने 1 रोटी खानी है तो 2 रोटियां खाएंगे, क्योंकि सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जे तुहानू मेरी रेसिपी वधिया लगदियां ने प्लीज़ तुसी लाइक शेयर करियो ते चैनल नूं सबसक्राइब करियो अते बैल दा बटन तुसी जरूर प्रेस करियो ता जो नवी आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। प्याजा असी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करांगे, अजे इन्होंने टमाटर के नाल भी एक बार भुजना है तो असी हुण इहदे विच पा देने आ टमाटर, नाल ही पा देंगे असी हरी मिर्च। भिंडी के विच नमक असी भिंडी के हिसाब नाल पाया है, ये जिन्ने कु प्याज ने उस हिसाब नाल असी थोड़ा जिहा इहदे विच नमक पा रहे हैं। थोड़ी जी असी हल्दी पा देंगे विच प्याजां ते थोड़ा जिहा असी गर्म मसाला पा देंगे, इन्हां नूं मिक्स कर देंगे।
मसाले साढ़े वधिया तरह भुज जाए ये पा देंगे थोड़ा जहा पानी प्याज साढ़े बहुत वधिया फ्राई हो गए ने इहदे विच असीं हुण भिंडियां ऐड कर देंगे प्याज ते भिंडियां नूं मिक्स कर दें बेसन वाली भिंडी तुसी एक बारी बनाओगे तो तुसी बार बार बना के खाओगे ते इन्नियां टेस्टी बनदियां ने तुसी भी अपने घर बना के इन्हें जरूर ट्राई करियो जी भिंडी साडी बन के तैयार हो गई तो असीं हुण गैस नूं बंद कर दिंदे आ इन्हां नूं असीं एक प्लेट विच सर्व कर लैंदे आ बेसन मसाला भिंडी साडी बन के तैयार हो गई है ते असीं सर्व कर दित्ती है ते वेखो किन्नी सोहणी बनी है तुसीं भी अपने घर बना के जरूर ट्राई करियो जे तुहाडे बच्चे बड़े इहनूं खुश होके खाणगे जिथे वह एक रोटी खाते हैं इतने दो रोटियां खाणगे ते तुसीं अपने घर इहनूं बना के जरूर ट्राई करियो जे तुहानूं साडी अज दी रैसपी वधिया लगी लाइक शेयर करियो चैनल नूं सबसक्राइब करियो अते तुसीं कमेंट करके दस्सियो कि अज दे भिंडियां दी रैसपी तुहानूं किवें दी लगी जे तुहानूं कोई होर रैसपी चाहीदी है ते तुसीं उह वी कमेंट करके दस्सियो जे वीडियो देखने वास्ते थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।